इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो पैरेलल में तो बड़ा आसान है, दोनों का सम ले लो, C1 प्लस C2। फिर कह रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर फेराइड होता है। 1 किलोवाट ओवर कितने जूल्स के बराबर होता है, क्लास में मैंने कहा था ज़रूर आएगा, 3.6 × 10^6 जूल। वोल्ट इंटू एम्पेयर किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। फिर बात हो रही है इफ़ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 2 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड एरिया बिकम हाफ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन रेजिस्टेंस ऑफ द फायर। देखो बेटा, लेंथ डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि एरिया खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। इसका मतलब रेडियस भी हाफ हो रहा है, तो हाफ का स्क्वायर 4, ओवरऑल एरिया 4 times कम हो जाएगा। अब देखो जो शॉर्ट रह गया या रेडियस 4 times कम हो जाएगा, लेंथ अपॉन आर स्क्वायर, तो लेंथ तो 2 ही है, आर हाफ क्योंकि एरिया हाफ है, तो ये भी हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब सीधी सादी बात है, मैथ्स के रूल कहते हैं नीचे वाला 2 पर आएगा, 4 2 8, तो ये वाला आंसर की में गलत था, इसका करेक्ट आंसर है 8।